हेलो एंड वेलकम बैक टू फैक्टेशिया। आज हम आपको एक ऐसे गांव की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे IAS की फैक्ट्री कहा जाता है। इस गांव ने देश को कई बड़े अधिकारी दिए हैं। दुनिया भर में इस गांव के किस्से सुने जाते हैं। गांव के लगभग हर घर से अधिकारी निकलते हैं। हम बात कर रहे हैं यूपी की राजधानी लखनऊ से करीब 300 किलोमीटर दूर बसे जौनपुर जिले के मधुपट्टी गांव। इस गांव के बारे में जानकर लोगों को हैरानी होती है, लेकिन यहां की कहानी बिल्कुल सच है। गांव के माहौल को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस गांव के लोग देश भर में बड़े पदों पर तैनात होते हैं। पहले ये गाँव ग्राम पंचायत हुआ करता था, लेकिन अब ये नगर पंचायत बन चुका है। जानकारी के मुताबिक पता चलता है कि इस गांव में करीब 75 घर हैं। इस गांव में 51 लोग बड़े पदों पर तैनात हैं। 40 लोग IAS, PCS और PBS अधिकारी हैं। इसके अलावा इस गांव के लोग इसरो, भाभा और विश्व बैंक में भी काम करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मधुपट्टी गांव से पहली बार 1952 में डॉक्टर इंदु प्रकाश IAS बने। उन्होंने UPSC में दूसरी रैंक हासिल की। डॉक्टर इंदु प्रकाश फ्रांस समेत कई देशों के राजदूत रह चुके हैं। डॉक्टर इंदु प्रकाश के बाद उनके चार भाई IAS अधिकारी बने। वहीं साल 1955 में विनय कुमार सिंह ने IAS परीक्षा में 13वीं रैंक हासिल की। वो बिहार के मुख्य सचिव रह चुके हैं। साल 1964 में छत्रसाल सिंह ने IAS परीक्षा पास की। वो तमिलनाडु के मुख्य सचिव रहे हैं। साल 1964 में ही अजय सिंह भी IAS बने। साल 1968 में शशिकांत सिंह IAS अधिकारी बने। ये चारों लोग गांव के पहले IAS बने। इसके बाद तो गांव को IAS की फैक्ट्री कहा जाने लगा। गांव से लोगों के अधिकारी बनने का सिलसिला अभी तक जारी है। डॉक्टर इंदु प्रकाश के चार भाइयों के बाद उनकी दूसरी पीढ़ी भी UPSC परीक्षा पास करने लगी। साल 2002 में इंदु प्रकाश के बेटे यशवी IAS बने। उन्हें इस परीक्षा में 31वीं रैंक मिली। साल 1994 में इसी परिवार के अमिताभ सिंह भी IAS बने। वो नेपाल के राजदूत रह चुके हैं। आपको बता दें मधुपट्टी गांव से न केवल पुरुष अधिकारी बने, बल्कि यहां की बेटियां और बहुओं ने भी परचम लहराया है। साल 1980 में आशा सिंह, साल 1982 में उषा सिंह, 1983 में इंदु सिंह अधिकारी बनी। गांव में अमिताभ सिंह की पत्नी सरिता सिंह भी IPS अधिकारी बनी। जौनपुर से मधुपट्टी गांव से IAS अधिकारियों के अलावा कई PCS अधिकारी भी रह चुके हैं। यहां के राजमूर्ति सिंह, विद्य प्रकाश सिंह, प्रेमचंद्र सिंह, महेश प्रताप सिंह, जय सिंह, प्रवीर सिंह, विशाल सिंह, विक्रम सिंह, विकास विक्रम सिंह, SP सिंह, वेद प्रकाश सिंह, नीरज सिंह और रितेश सिंह PCS अधिकारी बने। इसके साथ ही गांव की महिलाएं भी PCS अधिकारी बनी। इसमें पारुल सिंह, ऋतु सिंह, रोलिस सिंह और शिवानी सिंह शामिल है। इसके अलावा मधुपट्टी के जन्मेजय सिंह विश्व बैंक में कार्य, वहीं गांव ने देश को बड़े वैज्ञानिक भी दिए हैं। मधुपट्टी की डॉक्टर नीरू सिंह और लालेंद्र प्रताप सिंह भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिक हैं। वहीं डॉक्टर ज्ञानू मिश्रा इसरो में वैज्ञानिक हैं। इसके अलावा गांव के निवासी देवेंद्र नाथ सिंह गुजरात के सूचना निदेशक हैं।